नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है यूपी 75 का। कानपुर के बिल्हौर में विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने 10 बीघा जमीन पर पुलिस की मदद से प्राप्त किया कब्जा। यूपी महिला एथलेटिक टीम की कप्तान बनी मेरठ की पारुल चौधरी। प्रदेश की महिला खिलाड़ियों की अगुवाई करेंगी पारुल चौधरी। यूपी जल निगम भर्ती मामले में आजम खान को झटका, अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज। आगरा में पारस हॉस्पिटल मॉकड्रिल मामले में पकड़ा नया तूल। आप पार्टी के धरनाबाद हॉस्पिटल संचालक का पुतला फूंका। आईएमएस के समर्थन पर उतरने पर आप ने किया जमकर विरोध। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर उतरे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। आजमगढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर भड़के कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मिला शव, पेड़ पर फांसी का फंदा और जमीन पर पड़ा मिला शरीर। गंगा दशहरा पर कोरोना का ग्रहण, कार्यक्रम स्थगित, केवल 3 बटुक ही करेंगे परंपरा का निर्वहन। कानपुर पुलिस का कारनामा, भेजा जांच के, बढ़ा दी अपहरण की धारा, कोर्ट ने एसीपी को लगाई फटकार। इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 10% की छूट का झांसा देकर ठगी, क्राइम ब्रांच ने 6 को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में लव जिहाद, हिंदू किशोरी को जबरन उठाकर ले गया विशेष समुदाय के युवक, 2 दिन तक टकराती रही पुलिस। बाइक बोट में निवेश की गई रकम दोगुनी नहीं मिलने पर ग्रेटर नोएडा में दिनेश भाटी की हुई हत्या, मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोवर्धन पर्वत पर और वन विभाग की 6978 वर्ग मीटर भूमि पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा, कोर्ट के आदेश आने के बाद कब्जा मुक्त कराने की जाएगी कार्रवाई। अलीगढ़ में भूमाफिया अनिल चौधरी के अवैध कोल्ड स्टोर पर चला बुलडोजर, किसान को वापस मिली जमीन। नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा, 6.5 करोड़ कैश और 40 किलो सोना किया गया बरामद। नोएडा में मादक पदार्थ का तस्कर हुआ गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1.6 किलोग्राम गांजा हुआ बरामद। तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए नोएडा में कोविड अस्पताल तैयार, अपर मुख्य सचिव ने तैयारियों का लिया जायजा। एएमयू में ऑक्सीजन प्लांट को मिली मंजूरी, 1 मिनट में बनेगी 1000 लीटर ऑक्सीजन। गाजियाबाद में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के मरीजों में आई 70% की कमी। गजरौला में इलाज के दौरान ट्रांसपोर्ट कर्मी की हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सील। सहारनपुर में सीवर लाइन डालने को खोदी सड़क, 1 महीने के कोरोना कर्फ्यू में भी सड़क नहीं हुई दुरुस्त, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना।
गोरखपुर में एडवांस सिक्योरिटी से लैस होगा गोरखनाथ मंदिर और सीएम आवास तैनात किए जाएंगे कमांडो यूनिट्स। कोविड से मरे शिक्षकों की उपचुनाव में लगा दी ड्यूटी, अनुग्रह राशि और अन्य मदद की जद्दोजहद में लगा परिवार हुआ हैरान। मिर्जापुर में शौच के लिए गए ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला, चार लोगों हुए घायल। गोरखपुर में आशा बहू को पीटने वाले चार आरोपी अरेस्ट, कोविड-19 टीकाकरण का सर्वे करने गई आशा कार्यकर्ता। पंडित छन्नूलाल की बेटी की मौत मामले में कमेटी ने शुरू की जांच, पूछताछ के बाद जुटाए जरूरी दस्तावेज। प्रयागराज में 4 क्विंटल 70 किलो गांजे के साथ एसटीएफ ने पकड़े 2 तस्कर। बरेली में पुलिस से गिरे चोर ने खुद को गोली मार की आत्महत्या, एक साथी भागा, एक हुआ गिरफ्तार। यूपीटेट का प्रमाण पत्र अब होगा जीवन मान्य, एनसीटीई ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन। यूपी पुलिस में फिर होने वाले हैं तबादले, आईपीएस अफसरों की लिस्ट तैयार, सीएम योगी की मुहर का इंतजार। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से गठबंधन की अटकलों को किया खारिज, कहा डूबती नैया में नहीं करेंगे सवारी। यूपी में 100 करोड़ की लागत से विकसित होगा गंगा सर्किट, पवित्र स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से होगा विकास। लखनऊ के बसंत कुंज में बनेंगे 4500 पीएम आवास, विकास प्राधिकरण को शासन की हरी झंडी किया इंतजार। बांग्लादेश के रास्ते अवैध घुसपैठ कर यूपी के पहचान बदल कर रहे रोहिंग्या की शुरू हुई तलाश। यूपी में नशे का कारोबार, इटावा, फरुखाबाद, मिर्जापुर और प्रयागराज में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप। रायबरेली में घर में जमीन में दबाकर रखे आभूषण व नकदी बटोर ले गए चोर, सोते रहे परिवारजन। लवीवी में कोरोना से मरने वाले माता पिता के बच्चों का खर्च उठाएंगे कुलपति और शिक्षक। ओपीडी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचे चिकित्सक, प्रभारियों को वाराणसी में मिली नोटिस। नोएडा पुलिस द्वारा 6 शातिर चोर किए गए गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से 57 लाख रुपए कैश व करीब 13.9 किलोग्राम सोना किया गया बरामद। बलिया जिले में गड्ढे में स्नान करते समय 2 मासूम डूबे, दोनों की मौतों के बाद गांव में मचा कोहरा। वाराणसी के मिर्जापुर में 12 करोड़ 30 लाख की लागत से बन रहा इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन। आजमगढ़ मंडल में उठी मांग, नॉन कोविड अस्पतालों में तत्काल बनाया जाए बच्चों का स्पेशल वार्ड। आजमगढ़ में बोले एलडीएम, ग्राहकों की शिकायत कम करने को बनाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप।
गाजीपुर जिले में अफीम की चोरी के मामले में दो के खिलाफ एफआईआर, राजकीय कारखाने से हुई थी चोरी। वाराणसी में पुलिस ने तीन तलाक बोलकर घर से पति ने तीन तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला बाहर। भेलूपुर थाने में दर्ज हुआ पहला मुकदमा। सोनभद्र जिले में कोरोना संक्रमण काल में पूरी तरह से गायब हो गई हादसे वाली पहाड़ी। चंदौली जिले में अधिकारी कर्मचारी को कोरोना का टीका नहीं लगवाने पर जिलाधिकारी ने जून माह का वेतन रोकने के दिए निर्देश। गाजीपुर जिले में रहेंगे औद्योगिक विकास मंत्री व अपर मुख्य सचिव, करेंगे कई योजनाओं की पड़ताल। गाजीपुर जिले में पहले दिन ई पास से 20,000 क्विंटल गेहूं की खरीद, कई केंद्रों को नहीं मिली मशीन। मऊ जिले में सरयू नदी की धारा को मोड़ने के कार्य की खुली पुल, निर्धारित समय पर काम पूरा न होने पर बिफरे प्रभारी मंत्री। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता ने लगाए सरकार विरोधी नारे, भारी पुलिस पर मौके पर पहुंचे, हाथों में तख्ती, बैनर, पेट्रोल डीजल की महंगाई का किया विरोध। जौनपुर में युवक को गोली मारकर बदमाशों ने लूटी बाइक, क्षेत्राधिकारी शाहगंज जांच में जुटे। देशभर के 600 संस्कृत कॉलेजों को मिली राहत, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 20 जून तक का मिलेगा मौका। चक्रोड पैमाइश को लेकर भड़के मनबड़, ग्राम प्रधान के वाहन पर की फायरिंग। गोरखपुर में भिक्षु संघ ने की श्री राम जन्मभूमि, अयोध्या में बौद्ध स्तूप बनाने की मांग। रेल पटरी पदवाड़ी गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी, जल्द ही एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का होगा संचालन। गोरखपुर में शहर में पुलिस को पशु तस्करों की खुली चुनौती, लोगों ने पशु तस्करों से जान का खतरा बताते हुए रात में गश्त बढ़ाने का पुलिस से किया आग्रह। पति मुंबई में और पत्नी घर से गायब, भाई ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर पुल निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने की सीएम पोर्टल पर की शिकायत। गरीबों के बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में होगा दाखिला, 13 जून को लॉटरी के जरिए होगा स्कूल आवंटन। प्रयागराज नगर निगम की पार्षद ने कहा जल संस्थान का एरियर माफ करने को लेकर जनता को किया जा रहा गुमराह। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, कहा आरोप है गंभीर। डॉक्टरों के समर्थन में आए एएमए राज्यसभा सदस्य, रेवती रमण का भी मिला आश्वासन। चौदह जिलों के बंदियों की प्रतिभा तराशेगा उत्तर प्रदेश राजस्थित टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, बंदी उच्च शिक्षा की करेंगे पढ़ाई।
सेवारत उच्च शिक्षित आश्रितों को लिपित बनाने की मुहिम, बेसिक शिक्षा विभाग की देरी से नाराजगी। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी कांग्रेस को कहा अलविदा। प्रयागराज हाईवे पर दोनों तरफ लगी सब्जी बनी बड़े खतरे का सबब, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन व मंडी समिति से मंडी हटवाने की मांग। उत्तर प्रदेश होगा तीन राज्यों में विभाजित, पश्चिम और ये पूर्वांचल अलग होगा राज्य, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नए राज्यों का हो सकता है गठन। प्रतापगढ़ में ग्रामीणों ने स्थापित की मूर्ति, नाम रखा कोरोना माई। उत्तर मध्य रेलवे के जीएम बोले विद्युतीकरण के कार्यों को तेजी से कराया जाए। मेरठ में जनरेटर से निकली चिंगारी से फर्नीचर शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। मेरठ में दोस्त से मिलकर लौट रहे खेल कारोबारी से लूट, बदमाश थाने के सामने ही हुए फरार। मेरठ में डेन गैलेक्सी के कंट्रोल रूम में आग लगने से दो जिलों का केबल नेटवर्क हुआ ठप, उपभोक्ता रहे परेशान। मेरठ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पद पर दर्ज हो गया मुकदमा, एडीजी दफ्तर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। ट्रांसफार्मर की खामियां खोजेगा बिजली महकमा, मेरठ में रैपिड रेल के कार्य को शटडाउन देने पर लगी रोक। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।